बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्लीज़ इसी तरह मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। आज जरा मैं रेसिपी बता रही हूँ, ये बिरयानी की है। और इसके लिए मैंने जो प्याज ली है, सबसे पहले मैंने उसको प्याज को फ्राई कर लिया था। 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी और मैंने उसको इस तरह स्टेनर में रख दिया ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। और हम बिरयानी इसको रखती हूँ और हम बिरयानी इस पर मसाले जो है पहले वो बना लेते हैं। मैं उसके लिए वो दिखा दूँ आपको। ये मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया, कोरिएंडर सीड्स लिए हैं। ये कोरिएंडर सीड्स जो हैं 2 खाने के चमचे हैं और ये साबुत है। और ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। और ये 1 टेबल स्पून जो है लौंग है, क्लोव्स। और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्चें, ये तकरीबन 1 खाने का चमचा है। और ये ग्रीन कार्डेमम है, ये 1 खाने का चमचा है। और ये 5 से 6 ब्लैक कार्डेमम है। और ये रेड चिली पाउडर, रेड चिली है, साबुत लाल मिर्चें। और ये 5 से 6 अदद हैं। और ये बे लीव्स हैं, ये तकरीबन 5 से 6 अदद हैं। इस साइज़ के मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं बे लीव्स। और ये दालचीनी है, ये 1 इंच का टुकड़ा है और मैंने 4 से 5 अदद टुकड़े लिए हैं इसके। और ये 2 जो है जायफल हैं। और मैं इसको पहले हीट अप कर लूँगी हल्का सा, ये जब तक चूल्हा गर्म होता है मैं दिखाती हूँ। ये कोरिएंडर, ज़ीरा, और सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। और ये ब्लैक काली मिर्चें, लौंगे और ग्रीन कार्डमम, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हल्का सा। फिर मैं और स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये बे लीव्स हम इसको ब्रेक करके डालेंगे ताकि इजी रहे हम लोगों के लिए, हमारे लिए। और दालचीनी और ये जायफल, इसको भी हल्का सा ब्रेक कर लीजिए, हाथ से ही ब्रेक से ब्रेक हो जाएगी। और ये बड़ी इलायची और ये रेड चिली। अब इसको हल्का सा बस रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस ज़रा सा, जैसे इसकी खुशबू आने लगे तो हम इसको हटा देंगे इसके से। बस जब तक ये रोस्ट हो रहा है मैं बस दिखाती हूँ। हमने इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद, अब जब ये ठंडा हो गया तो हम इसको जो है हल्का सा कूट लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आएंगे हम इसको ना। मैं इसको ये करती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमने बिल्कुल इसको पाउडरी फॉर्म में नहीं लेके आए हैं। ये इस तरह है, थोड़ा सा थोड़े से मसाले इसमें, स्पाइसेस थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। अब हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है कसूर की मेथी, ये ऐड कर देंगे। और ये हल्दी है, होममेड हल्दी पाउडर, ये हम इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। और 1 पिंच जो है सॉल्ट, जो भी आप सॉल्ट यूज़ करते हैं, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। और ये जो है नटमेग, ये हम इसमें थोड़ा सा 1/2 क्रश करके ऐड करेंगे। ये हमने इसलिए साबुत नहीं डाला था कि उससे बाज़ा मशीन ब्रेक हो सकती है। और हमने मसाले इसलिए इसको रोस्ट किया था कि हम इस मसाले को रख देंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको भून लेते हैं थोड़ा सा रोस्ट करके। मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लूँ फिर मैं दिखाती हूँ। और मैंने कसूर की मेथी डाली थी तो मैंने इसको हल्का सा बस मिक्सअप करने के लिए थोड़ा सा चला लिया था। और ये देखिए थोड़ा सा दरदरापन आ रहा है इसमें। और मैंने इसलिए इसको स्पाइसेस को रोस्ट किया था ताकि ये जो है आप इसको सेव करके रख सकते हैं, आप किसी भी ग्लास बॉटल में करके, और 1 से 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये सिर्फ 5-6 मिनट में बन जाता है इस हार्डली, और ये आप इसको बना के रख सकते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं दूसरे स्पाइसेस दिखा दूँ। ये मैंने नटमेग जो है मैंने 1/2 क्रश करके डाला था, तो मैंने कहा ये मैं बताना भूल गई थी। और सॉल्ट जो था 1 पिंच था। और ये मैंने इस तरह स्पाइसेस बना के रख लिया है। और ये गोश्त जो है मैंने लैम्ब का लिया है, आप चाहे बीफ ले लें चाहे मटन ले लें। तो ये मैंने बोन वाला लिया है, ये 1/2 kg है तकरीबन। और ये मैं इसमें पहले बाउल में ये ऐड कर दूंगी, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये तकरीबन हम इसमें 3 से 4 चमचे ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून फुल भर के। और ये हमने ग्रीन चिली का पेस्ट सा बना लिया था, तकरीबन 10 से 12 ग्रीन चिली थी स्मॉल साइज़ की। और हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके और इस तरह उसका पेस्ट सा एक बना लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे।
रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कोरिएंडर पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये रोस्टेड है और पाउडर हमने फिर पीस लिया था। और ये जो है वही बिरयानी मसाला, और मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये तकरीबन हम 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्रेश टर्मरिक है, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। और ये तकरीबन हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसको। इस तरह आप, अगर आपके पास फ्रेश टर्मरिक नहीं है तो इस ओके आप टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 टेबल स्पून। और अगर आप स्पाइसेस जो हैं फ्रेश यूज़ करेंगे, जिंजर गार्लिक वगैरह, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है खाने में। और अब हम दही जो है इसको हम फेंट के ये ऐड करेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच दही है, फुल क्रीम दही है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। लेमन जूस है, हम फ्रेश लेमन जूस यूज कर रहे हैं, और ये मैंने 1 लेमन लिया है। और आप इसके बीज नहीं डालिएगा प्लीज, कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ लेमन जूस जाए। ये मैं देर ऐड करके दिखाती हूँ। नमक जो है हसबे ज़ायका, जितना आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर दीजिएगा इसमें। और ये जो है क्वार्टर बंच जो है, ये कोरिएंडर है, ये हम इसमें अभी क्वार्टर बंच से भी कम हम इसमें अभी ऐड करेंगे। और ये मिंट है, ये भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और ये प्याज जो थी हमने फ्राई की हुई थी, ये अभी हम 1/2 ऐड करेंगे, ये बहुत क्रिस्पी सी हो जाती है। और हम 1/2 जो है जब लेयर लगाएंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये वो ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मचे जो है ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं अभी। और इसको हम मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो मसाले थे हमने इस तरह तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम 40 मिनट्स के लिए इसको इसी तरह करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और चाहे आप काउंटर पर भी कवर करके इसको रख सकते हैं। और ये हमने जो वही वाला ऑयल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, ये हमने इसमें 1 टेबल स्पून सिर्फ रहन दिया है। और ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ये ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। सारा मैं ऐड कर दूँ पहले। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ ताकि आपको इजी रहे आपको देखने के लिए। अब हम इसमें जो हमने भून लिया था इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, हम 1 कप पानी ऐड करके और उसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये हमने 2 अदद आलू लिए थे, और हमने इसको इस तरह पील ऑफ नहीं किया, बस धो लिया, और इस तरह हमने इसको स्लाइसेस में कर लिया। तकरीबन 80% जो है गोश्त गल चुका है, और ये अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने पहले से आलू नहीं ऐड किए थे। आप ये चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर आलू बिरयानी में जो आलू होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इसका टेस्ट। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे आलू गलने तक। ये पानी बॉयल होने के लिए रख दिया हमने तकरीबन 5 से 6 कप के बराबर, और ये बॉयल हो रहा है। और हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून जो है ज़ीरा है, और ये ग्रीन कार्डमम है 5 से 6 अदद, 1 बादियान का फूल है, और 1 बड़ी इलायची है, और 1 टुकड़ा दालचीनी का, और 1 लौंग है, और नमक डाल देंगे। जब तक ये बॉयल हो रहा है फिर मैं दिखाती हूँ। हम इस बिरयानी में फूड कलर ऐड नहीं कर रहे, हमने दूध जो है उसको गर्म कर लिया। तकरीबन ये 1/2 कप के बराबर मिल्क है, और वार्म मिल्क है। हम इसमें 2 पिंच जो है ज़ाफ़रान के ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी जो हल्दी है वो क्रश करके हम ऐड कर देंगे। ये हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा था उसमें नमक डाल देंगे, सॉरी, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और ये बे लीव्स है, और दालचीनी, लौंग,
जीरा ये सब ऐड कर देंगे इसमें और इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो इसमें चावल ऐड करते हैं। ये चावल जो हमने तकरीबन भिगो के रख दिए थे 40 मिनट के लिए और ये इस तरह चावल धो के हमने भिगो के रख दिए थे। ये चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको तकरीबन 90% तक चावल को बॉईल कर लेंगे हम। मैं ये बॉईल हो जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ। और अब हम इस कंडीशन में इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे। और सिरका ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये है चमचे से दिखा रही हूँ, देखिए। और आलू तो गल गए हैं ऑब्वियसली। देखिए इसको बस हमने हल्का सा भून लिया। अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। और ये चावल में हमने थोड़ा सा सिरका इसलिए ऐड किया था कि चावल जो है इससे अलग अलग रहते हैं चावल के दाने। इसका ऑयल निकल जाए। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर, और सॉरी फ्रेश कोरिएंडर, और थोड़ा सा मिंट। और ये जो एक्सेस ऑयल था जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, ये हमने इसको यहाँ अलग रख दिया था। ये हम किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके चावल ऐड करेंगे। एकदम से सारे ऐड नहीं कीजिएगा, इस तरह करके चावल ऐड कर दें। मैं सारे चावल ऐड करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये हमने चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर देंगे, फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश मिंट। और ये जो हमने ऑयल जो दूध था उसमें हमने ज़ाफ़रान और थोड़ी सी टर्मरिक ऐड की थी, फ्रेश टर्मरिक, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। अगर आप चाहते हैं फूड कलर ऐड करना तो करें, वरना अदरवाइज़ इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है खाने में, टर्मरिक से और ज़ाफ़रान से। और वार्म मिल्क में ऐड करें ताकि अच्छी तरह कलर आ जाए। और ये प्याज जो थी फ्राई की हुई, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और देखें इस तरह इसका कलर आ जाता है इस तरह। और थोड़ा सा एक चुटकी ये ऊपर से जो हमने मसाला बिरयानी मसाला था वो बनाया। और वन और एक थोड़े से ड्रॉप्स हम क्योड़ा ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स क्योड़े के ऐड करेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ये देखिए इस तरह इसका कलर आया है और थोड़े वाइट चावल नज़र आना चाहिए, तो इसलिए ये मैं ट्राई करके बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है अभी। ये बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की बनी है। आप प्लीज़ प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और इस दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ओके, सी यू, बाय।